नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्ष और आप देख रहे हो प्रोएक्टिव टेक्निकल। और आज के वाले वीडियो एकदम खास होने वाले क्योंकि मैं लेके आप सबके लिए प्रोएक्टिव न्यूज, जो कि हमारी सीरीज है जिसके अंदर हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली प्रोएक्टिव न्यूज से जो भी निकल के सामने आ रही है वन प्लस की तरफ से। और यहाँ पर हमें वन प्लस 8T की ऑफिशियल लॉन्च डेट कन्फर्म देखने को मिल रही है और यही स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है 14th October को। साथ ही में हमें कुछ लीक्स देखने को मिल रही है जिनसे हमें पता लगता है कि इस स्मार्टफोन के अंदर 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है जियो के एक $50 स्मार्टफोन को लेकर के। और ये हमें एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जियो की तरफ से, जो कि बेस्ड होने वाला है एंड्रॉइड के ऊपर, यानी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में देखने को मिलेगा। और ये हमें दिसंबर के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। और इंडिया के हिसाब से जो प्राइसिंग है $50, यानी कि 4000 रुपए से कम कीमत पर हमें यही जियो की तरफ से आने वाला एंट्री लेवल स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। और यहाँ पर हमें क्वालकॉम की तरफ से एक और नया 5G चिपसेट देखने को मिल रहा है, और ये हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G के नाम से देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसी प्रोसेसर की, तो ये हमें 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। और यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम रील्स के अंदर लॉन्गर वीडियो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि हम 15 सेकंड से बड़ी वीडियो डाल सकते हैं। इसके अलावा हमें एडिटिंग के कई सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं इसी नई अपडेट के साथ में। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है वीवो की तरफ से। और वीवो की तरफ से हमें एक और नया स्मार्टफोन, जो कि हमें वीवो वाइप 12S के नाम से देखने को मिल रहा है। ये हमें देखने को मिल रहा है गूगल प्ले कंसोल की लिस्टिंग के ऊपर। और इसी स्पोर्ट से हमें पता लगता है कि स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा वो हमें मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि एंट्री लेवल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3GB रैम देखने को मिलेगी इसी स्मार्टफोन के अंदर। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही है सैमसंग की तरफ से आने वाली अपकमिंग एफ सीरीज को लेकर के। अगर आप एफ सीरीज के बारे में और जानना चाहते हो, यहाँ पर आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पर एफ सीरीज का हमें F41 स्मार्टफोन इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन के अंदर हमें 6000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही में जो प्रोसेसर है वो हमें सैमसंग का एक्जीनोक्स 9611 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और साथ ही में जो रैम हमें देखने को मिलेगी वो हमें 6GB तक देखने को मिलेगी इसी सैमसंग के एफ सीरीज के F41 स्मार्टफोन के अंदर। और ये स्मार्टफोन हमें SAMOLED डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलेगा। और जो इसकी हमें लॉन्च डेट देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, वो हमें 8th October देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही गूगल की तरफ से। और यहाँ पर हमें गूगल पिक्सल 5 की कुछ रेंडर्स लीक देखने को मिल रही है। और इन्हीं ऑफिशियल रेंडर्स लीक से हमें स्पेक्स का पता चलता है, और साथ ही हमें पता लगता है कि हमें एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और इसके अंदर हमें 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि हमें 117 डिग्री के वाइड एंगल व्यू के साथ में देखने को मिलेगा। और साथ ही में इसके अंदर हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एट 60fps, यानी कि 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक हम 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और जो 1080p की वीडियो है वो हम 240fps तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही शाओमी की तरफ से। और शाओमी ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि हम लॉन्च करने वाले अपने Mi 10T स्मार्टफोन को, जो कि हमें जर्मनी के अंदर देखने को मिलेगा। और ये लॉन्च होने वाला है 30th September को। और यही स्मार्टफोन हमें एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही आईफोन 12 सीरीज के लॉन्च इवेंट को लेकर के। और ये मोस्ट प्रोबेबली हमें 13th October को देखने को मिल सकता है। अभी तक हमें कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा 16th October से हमें प्री ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं अपने अगली प्रोएक्टिव न्यूज़ की तरफ, जो कि निकल के सामने आ रही सैमसंग की तरफ से। और यहाँ पर सैमसंग का हमें एक और स्मार्टफोन सपोर्ट देखने को मिला है, जो कि हमें सैमसंग गैलेक्सी A42 स्मार्टफोन देखने को मिला है। और ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और जो प्रोसेसर इस स्मार्टफोन के अंदर यूज़ होने वाला है वो हमें बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसी स्मार्टफोन के अंदर हमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि 4 कैमरा पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ।